हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज डेटॉल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में ही आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेम टाइम पर रिकॉर्ड करना है, बट पार्ट अलग अलग करके डाल दिए। पार्ट फर्स्ट डाल दिए, पार्ट टू डाल दिए और पार्ट थ्री डाल दिए। अब ये पार्ट थर्ड है 48 लॉस ऑफ पावर का। इसमें हम रिमेनिंग लॉस डिस्कवर करेंगे, ठीक है, 33 से लेके 48 तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ, द 33वां लॉ स्टार्ट होता है, डिस्कवर ईच मैन थंब स्क्रू, मतलब फाइंड द वीकनेस ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ द पर्सन एंड यूज इट टू योर एडवांटेज। देखो, जो सामने वाला और जो भी बंदा है आपके साथ, जिसके साथ काम कर रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर बंदा है, जो भी आपका दुश्मन है, उसकी पहले वो क्या रहता है, ईच मैन, हर एक बंदे की अपन को फाइंड करना है, कमजोरी फाइंड करो और फिर उसका यूज़ करो अपने एडवांटेज के लिए। ठीक है, तीन स्टेप बताऊँगा कि कैसे सामने वाले की कमजोरी फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कि ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई देयर साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रिगर। ठीक है, पहले आदमी से बात करो, प्रॉपर उनसे बात करो, डिस्कस करो, जिस तरीके से बात होती है ना, उस तरीके से बात होने के बाद प्रॉपर आपको उनसे बात करनी है, साइकोलॉजिकल मेंटल किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, और उनके कौन कौन से इमोशनल ट्रिगर हैं जो बातें उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। ठीक है, ये बात कर ली। अब इमोशनल ट्रिगर फाइंड कर लिए। सेकंड स्टेप है, यूज दिस नॉलेज टू इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट और कंट्रोल देम इफेक्टिवली। अब इस नॉलेज को आपको उनको कंट्रोल करने के लिए, कब आपको उनको गुस्सा दिलाना है, कब आपको उनको अपने तरीके से काम निकलवाना है, कभी कुछ अच्छा बुलवाना है या नेगेटिव बुलवाना है, उस चीज़ का उस वे में यूज़ करना चालू करो। थर्ड, ट्रीट केयरफुली टू अवॉइड कॉजिंग हार्म और रिसेंटमेंट वाइल लेवरेजिंग द दर। उनकी कमजोरी यूज़ करने से पहले आप ये ध्यान रखो कि उल्टी आप पे भारी ना पड़ जाए, ठीक है, पर उसको यूज़ करो। लॉ 34, बी रॉयल इन योर फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी स्ट्रेज लाइक वन। ठीक है, आप जिस तरीके से अपने आप को फैशन में कर दे, देखो आज मॉडर्न ज़माना है, ठीक है, मॉडर्न ज़माने के रिगार्डिंग आपको अप टू डेट रहना चाहिए, और आपके जितने भी फैशन सेंस है उनको प्रॉपर डिग्निटी के साथ पहनना चाहिए, जो भी कपड़े, जिस तरीके कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, और पहले क्लीन और डिग्निटी के साथ कपड़े पहनना। कैरी योर सेल्फ विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस टू कमांड रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट लाइक अ किंग। जब तक आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे ना, तो प्रॉपर आपको भी उस तरीके का रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप हमेशा देखो, आपकी नॉलेज बहुत शानदार है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार है, बट उसके साथ साथ आपको आपको एक राजा की तरह, मैं नहीं बोलता कि पुराने टाइम पे जो राजा थे उस तरीके के कपड़े पहन के जाना, ठीक है, बट आज भी आप जो भी कपड़े पहन रहे हो एकदम फिट पहनो, स्ट्रेच्ड पहनो, ठीक है, और अपनी अकॉर्डिंग जो भी चेंज लगता है, अगर अच्छे महीने में, साल भर में अगर कपड़े चेंज कर रहे हो आप, ठीक है, तो उस तरीके से कपड़े पहनो, ठीक है, उन तरीके से चलाओ। भले ही आप 2 साल पुराने कपड़े पहन रहे हो और आपके पास सही कपड़े हैं, बट उनकी प्रॉपर फिटिंग करवाते रहो, ठीक है। और तीन स्टेप देता हूँ आपके अच्छे तरीके से कपड़े एक लाइक अ किंग कैसे कर सकते हो। कल्टिवेट सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉइज एंड योर अथॉरिटी। ठीक है, पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाए तो सेकंड स्टेप आती है मेंटेन अ डिग्निफाइड डिमनर एंड कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। ठीक है, अपने आप को एक मैग्नीफाइड, देखो अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, आपकी स्ट्रेंथ शो कर सकते हो, तो उसको बढ़ाओ। ठीक है, जब तक आपके कपड़े फिट नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आया। थर्ड, एक्सपेक्ट एंड डिमांड रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट विद द अलाइन विद योर सेल्फ इमेज। अगर दूसरे से बात करें ना, तो आपका सेल्फ इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो उससे भी एक्सपेक्ट करो कि वो भी आपको रिस्पेक्ट दे। ठीक है, तो उस तरीके से हमको काम करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 35 लो, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड व्हेन टू एक्ट, व्हेन टू वेट एंड व्हेन टू सीज द अपॉर्चुनिटी। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपको एक्शन लेना है, ठीक है, कब आपको वेट करना है और कब आपको सीज अपॉर्चुनिटी करनी है। तो इसके लिए मैं आपको तीन स्टेप देता हूँ, हर एक के लिए मैं तीन स्टेप दे रहा हूँ, उनको फॉलो कीजिए। स्टडी एंड एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट, ट्रेंड्स एंड डायनेमिक्स ऑफ द सिचुएशन यू आर इन। जिस सिचुएशन में हो आप, पहले उसको स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, पर उसके रिगार्डिंग जो एक्शन हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, उसके अगर रिगार्डिंग एक्शन लो। सेकेंड, डेवलप द एबिलिटी टू सेंस द राइट मोमेंट टू टेक एक्शन, एक्सरसाइज रिजल्ट, कब समय सही समय है एक्शन लेने का, वो डिसाइड करो। थर्ड, बी प्रिपेयर्ड टू स्ट्राइक, मैंने टाइमिंग इज मोस्ट एडवांटेज, जब सबसे फायदेमंद चीज़ हो तब एक्शन लो। ठीक है, और टाइमिंग एक ऐसी चीज़ है, उसको मास्टर करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, लो 36, डिसडन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोर दैम इन द बेस्ट रिवेंज। ठीक है,
मतलब अब मैं आपको समझता हूँ, इग्नोर व्हाट यू कैन नॉट हैव और कंट्रोल द अंडरमाइन दोज हु सीक टू प्रोवोक और एंगर यू। ठीक है, जिन लोगों पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, प्रोवोक करते हैं, उनको इग्नोर करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। और एक बार आप उनको इग्नोर करना सीख गए ना, इज़ द बेस्ट रेमेडी। वो दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं, आपकी अटेंशन उनको दो, बट अगर एक बार आप अटेंशन नहीं दोगे ना तो उनका मुंह लटक जाएगा। ठीक है, तीन स्टेप में, फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज सिचुएशन और प्रोवोकेशन दैट आर बेस्ट लेफ्ट अनअटेंडेड। ठीक है, सेकंड है, मतलब आपको सिचुएशन देखना है कौन प्रोवोक कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, अनअटेंडेड रहना चाहिए उसको। ठीक है, उसको अटेंशन देनी नहीं है। सेकंड, डिसरिगार्ड और डिसमिस एफर्ट्स टू प्रोवोक, शोइंग इनडिफरेंस टू द इंस्टिगेटर। तो आपको कदम इंटू कदम और क्या बोलते हैं, आपको वो प्रोवोक कर रहा है ना, उसको जवाब ही मत दो, इग्नोर करो, दैट्स द बेस्ट वे। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर एक्शन विच कैन फ्रस्ट्रेट देम एंड डिसआर्म देम। ठीक है, एक बार उनको बता दो कि वो कुछ भी कर लें, आप पे इफेक्ट नहीं होने वाला, तो इस तरीके से रहो, तो वो अपने आप काम करना छोड़ देगा। लो 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। ठीक है, यूज ड्रामा एंड ग्रैंड डिस्प्ले टू कैप्चर अटेंशन एंड और समझे को, लोगों को ज़बरदस्त दिखाने के लिए प्रॉपर आपको उस तरीके की अटेंशन गैदर करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्रामा करो, एक्शन लो, और कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं है। अगर अटेंशन गैदर करने के लिए आपको मौका मिल रहा है तो करो। ठीक है, एक दो बातें बनानी पड़ेंगी, लंबी देनी पड़ेगी, देने में पीछे मत हटो। ठीक है, अगर कोई बात लंबी दे के अटेंशन मिल सकती है तो लो, क्या पड़ रहा है। लो 38, थिंक एज यू लाइक, बिहेव लाइक अदर्स। ठीक है, उस तरीके से सोचो, थिंक एज यू लाइक, जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके सोचो। ठीक है, बट बिहेव लाइक अदर, और बिहेव आपको दूसरों की तरह करना है जिस तरीके के एनवायरनमेंट है। कंसील योर ट्रू बिलीव्स एंड ओपिनियन व्हेन इट बेनिफिट्स योर गोल्स। ठीक है, आपको तभी आपके गोल्स बताने जब आपके गोल्स को आप उस वहाँ पे फ़ायदा हो रहा। ठीक है, तीन स्टेप्स हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिचुएशन एंड वेयर इट्स एडवांटेजेस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ ट्रू बिलीव एंड वेयर इट्स स्ट्रेटजिक टू कन्फर्म। तो जब जरूरत हो तभी करना है। एडॉप्ट योर बिहेवियर वर्ड्स एक्शन, अपने शब्दों को अपने तरीके से करो, जब जरूरत हो तभी बोलो। लॉ 39, स्टर अप टू कैच प्रेस। ठीक है, क्रिएट केओस और कन्फ्यूजन टू एक्सप्लोइट द रिजल्टिंग अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी फेवर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा नाटक करना पड़ रहा है, झोल झपाल करना पड़ रहा है, तो करो, बिकॉज इट विल ब्रिंग रिजल्ट इन योर फेवर। तो आपके फेवर में वो रिजल्ट लाएगा। ठीक है, तीन स्टेप हैं अपने फेवर में रिजल्ट लाने के लिए। जब भी मछली पकड़ते हैं और वो कांटे से पकड़ी नहीं जा रही, ठीक, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, तो जो उसमें उससे क्या बोलते हैं यार, वेव्स निकलती हैं वो पानी की, तो ऑटोमेटिकली मछली इंट्रैक्ट होती है थोड़ा बहुत। अगर वो मछली का जाला भी फेंक रहा है ना, तो जाले में अगर मछली पड़ी, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है तो ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज सिचुएशन वेयर यू स्टेटस को इज स्टैग्नेंट और अनप्रोडक्टिव। आपको पहले सिचुएशन रखनी, प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कंट्रोल द डिसरप्शन कियोस्क और सेक थिंग्स अप एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी। और सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं है तो उसको डिसरप्ट कर दो, और ट्राई करो कियोस्क करके कि आप उस चीज़ को कंट्रोल में ले पाओ। थर्ड, बी प्रिपेयर टू कैपिटलाइज ऑन द ओपनिंग ऑन द एमर्ज। तो जब भी ओपनिंग हो और एमर्ज हो कियोस्क, तो आप उसको कंट्रोल में लेने के लिए तैयार रहो। और लो 40, डिस्पाइट द फ्री लंच Avoid accepting favors or gifts that come with obligation. ठीक है, अगर कोई obligation के regarding आपको gift दे रहा है ना, ठीक है, आपसे कोई काम करवाना चाहता है, तो उसको छोड़ो, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ता है in the end. ठीक है, law 41, avoid stepping into a great man's shoes. ठीक है, दूसरों की problem में अपने ऊपर लेना बंद करो। अवॉइड डायरेक्ट कंपेरिजन टू द प्रेडिसेसर और अ ग्रेट फिगर, इंस्टीड कार्व योर इन यूनिक पाथ। देखो, जो दूसरा ने अचीव कर लिया है, जो दूसरे अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, अगर उनसे अपना कंपेरिजन करोगे ना, तो हमेशा आपको एक कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एक महान व्यक्ति से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो आपको इन्फीरियर फील होगा, और वो हमको कभी नहीं करना। लव 42, स्ट्राइक द सेपर्ड एंड सीप बिल स्केटर। ठीक है, टारगेट लीडर और इन्फ्लुएंसर टू डिसरप्ट द कंट्रोल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी ग्रुप को बर्बाद करना है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर भीड़ को शांत करना है, ठीक है, भीड़ को हटाना है, तो उसके लीडर को टारगेट करो। एक बार लीडर ख़त्म तो बाकी सब खत्म। आगे आते हैं 43, वर्क ऑन द हार्ट्स और माइंड्स अदर, ठीक है, दूसरों के दिमाग पे और अपने दिमाग अपने दिल पे काम करो। अपील द बोथ ट्रेडिशनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ टू इन्फ्लुएंस दैम इफेक्टिवली। दूसरे लोगों को इफेक्ट करना है ना, तो अपने इमोशनल और कदें उनके जो भी रेशनल डिसीजन है उनको इन्फ्लुएंस करना चालू करो, ठीक है। लॉ 44, डिसआर्म एंड इन्फीरिएट विद मिरर इफेक्ट, यूज द मिरर इफेक्ट टू मिमिक बिहेवियर ऑफ अदर, डिसआर्मिंग और प्रोवोकिंग। और कोई आपको आपकी आपके रिगार्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही तो दूसरे से अपन कैसे काम निकलवा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी मिमिक्री करने लाओ, ऑटोमेटिकली सामने वाला भड़क जाए, और एक बार भड़क गया तो वो बहुत ज़्यादा रैंडमली फील करेगा और ऑकवर्ड फील करेगा और वो गुस्सा आ जाएगा। एक बार गुस्सा आ गया तो फिर आप सिचुएशन को अपने रिगार्डिंग कंट्रोल ले सकते हो। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एडवांस, ठीक है, एडवोकेट फॉर चेंज बट इंट्रोड्यूस इट इंक्रीमेंटली। तो जो भी बदलाव करना है ना, तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आप ऑफिस में 17 बदलाव लाना चाहते हो, आपके ऑफिस में, आपका ही खुद का ऑफिस, या पर्टिकुलर आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, या किसी कहीं पे भी हो आप, ठीक है, पहले आपको देखना होगा क्या बदलाव चाहिए, पहले उस बदलाव को फाइंड करो। एक बार बदलाव क्लियर हो गया तो आपको करना क्या है, आपको सीधे सी बात करनी है कि आपको धीरे धीरे करके चेंज करना है, एकदम चेंज नहीं हुआ, ठीक है, उस बात का ध्यान रखें। अगला है 946, नेवर अपीयर टू परफेक्ट, परफेक्ट तो दिखना ही नहीं, अवॉइड मेकिंग अदर्स फील इनएडिक्यूट बाय रिवीलिंग फ्लॉज एंड इम्परफेक्शन। दूसरों में कमियां निकालना बंद करो, अपने आप को परफेक्ट दिखाना बंद करो। एक बार ये कर दोगे ना तो आप आदमी से रिलेटेबल होगा कि गलती आपसे भी होती है, और अगर आप परफेक्ट वाली इमेज आपने लोगों के सामने बनाए रखी, उनसे गलती हुई, तो फिर एक वो आपको नेगेटिव वे में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरों की गलती आप निकालते हो ना, वो आपको मतलब आप जिस तरीके से हो तो दूसरे आपके बारे में नेगेटिव सोचना चालू करते हैं, ठीक है। लॉ 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम फॉर इन विक्ट्री, नो व्हेन टू स्टॉप, ठीक है। रिकॉग्नाइज व्हेन यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड ओवररीचिंग, जब आपको लगे कि आपने आपका टारगेट अचीव कर लिया है तो बस करो वहाँ पे, ठीक है। पर उसके बाद नया प्लान बनाओ, नई स्ट्रेटजी बनाओ, और फिर उसके बाद काम करना चालू करो, ठीक है। लॉ 48, एज्यूम फॉर्मलेसनेस, बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, टेकिंग ऑन डिफरेंट फॉर्म्स एज नीडेड टू अचीव योर गोल्स। जिस तरीके की सिचुएशन होगी उस तरीके से अपने माइंडसेट को तैयार करो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे समय हम उस तरीके से एज्यूम करते हैं, अरे ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बट भाई देखो सिचुएशन है, सिचुएशन जिस तरीके की होगी उस तरीके की अपने आप को ढालना है, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू अपग्रेड योर सेल्फ एंड टू बी इन योर सेल्फ, अपने आप को बेटर बनाने का वही तरीका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 48 लॉ ख़त्म कर दिए, मैंने जैसे कि मैंने 32 लॉ तक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट ये रिमेनिंग 16 लॉ को मैंने ट्राई किया कि एक स्टोरी टाइप में जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करने का क्या कारण है कि देखो पहले तो अपने पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज अपना 75 हार्ड डे चैलेंज है, और आज की प्रॉपर एक बुक पूरी एक्सप्लेन करनी थी, तो एक्सप्लेन तो कर दी, देखो 2 घंटे का मैंने किया, उसको एडिट किया, फिर उसके बाद उसको अपलोड किया, तो उसमें टाइम लग गया, ठीक है। बट नेक्स्ट कि अब इसको भी एडिट करना था, तो अभी ये 13-14 मिनट हुआ ही, और 5 मिनट इसके कंक्लूजन निकाल के मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद अपन इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। पावर डायनेमिक्स, ठीक है, द बुक डेलीवेस, देखो स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और बिहेवियर, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अगर सामने वाले को कंट्रोल करना है, ग्रुप को आपको कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और बिहेवियर्स, जो लोग मैंने बताया ना वो आप प्रॉपर यूज़ करते हो तो प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। हिस्ट्रिकल एंड मॉडर्न एग्जांपल, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीनी जो हमारे होते हैं उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए बुक के बारे में, तो अगर आप डीपली पढ़ोगे बुक को प्रॉपर तो आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। मैंने भी नए एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी जी, मोदी जी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, तो बहुत सारे एग्जांपल भी दिए, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, देखो प्रॉपर तरीके से सोचोगे, देखो जब तक सही प्लान नहीं होगा ना तो उस पर एक्शन लेना भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका गलत प्लान है, देखो आपका एम सही है, गलत प्लानिंग है, उस पर एक्शन लोगे तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूज एथिकल कंसिडरेशन,
जो भी एथिकल चीज़ें हैं, देखो मैंने तो आपको एथिकल अनएथिकल सारी चीज़ें बता दी, बट आपको एथिकल चीज़ें एथिकल वे में ही यूज़ करना है, लॉ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, बट लिमिटेड वे में यूज़ करना है, जाना दूसरे को हर्म ना करो, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है आपने जो भी सीखा। ठीक है, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।